पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छोड़ दे, ये कैसे होगा? एक आदमी तो एक पवित्र काम कर रहा है, उसके पीछे हम डंडे लेके पड़ जाए कि हम तो तुम्हारे घर कब्जा करेंगे, और बाकी जो घूम रहे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। खाली आराम से घूम रहे, खाली सुख रहा चला जा रहा, वो सारा चल रहा है। सरकार बैलेंस देखे रखना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये गंभीर समस्या है, हम समर्थ है, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग एकदम से हम छोड़ दें, ये कैसे होगा? एक आदमी तो एक पवित्र काम कर रहा है, उसके पीछे हम डंडे लेके पड़ जाए कि हम तो तुम्हारे घर कब्जा करेंगे, और बाकी जो घूम रहे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। खाली आराम से घूम रहे, खाली सुख रहा चला जा रहा, वो सारा चल रहा है। सरकार बैलेंस देखे रखना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये गंभीर समस्या है, हम समर्थ है, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग एकदम से। हमारे शहर के अंदर, हमारे शहर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही है, जो आवारा असहाय जानवर हैं वो घूम रहे हैं। रामपुर और मुरादाबाद के बॉर्डर पर एक गांव घोंडा इतमाली है, रोंडा इतमाली है, वहां पर तकरीबन 500 गायें और उसके सांड वगैरह ये घूमते हैं, लोग बाग ले आके छोड़ देते हैं। किसान परेशान है, और इस हालत इस हद तक परेशान है कि 5-10 बीघे वाला किसान खेती नहीं कर रहा जी। वो मेहनत करता है, सब कुछ करता है, एक ही रात में उसकी सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। तो हमने डीएम साहब से इसी बात को कहा है, साथ साथ वहाँ बंदर भी बहुत हैं, 400-500 बंदर हैं, और बंदर के बारे में तो आपको पता ही है कि वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। तो उसके लिए भी हमने बात करी है जी, कि इन गायों को वहाँ से पकड़वा के गौशालाओं के अंदर भेजें, ताकि किसान कम से कम सुकून से जी सकें। किसान रात भर जागता है, कभी कभी एक दूसरे के तार खोल देता है, आपस में झगड़े फसाद होते हैं, लट पौंगा होता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की भी हो जाएगी। दूसरी जो हमने बंदरों के बारे में कहा आपसे अभी बताया, मुरादाबाद की एक समस्या है, जो यहाँ का मुस्लिम मुसाफिर खाना है उसके अतिक्रमण की बात हो रही है, क्योंकि मुस्लिम मुसाफिर खाना एक सेंसिटिव इशू है। हम ये चाहते हैं कि बैठ के एमिकेबल सॉल्यूशन निकले इसका, शहर की कोई फिज़ा इसमें ख़राब नहीं होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है ये निकल भी आएगी, सब लोग कोऑपरेटिव हैं। तीसरी एक समस्या ये है कि यहाँ पे सर सैयद नगर एक बहुत बड़ी आबादी है, अब उसको जोड़ने वाला एक ओवर ब्रिज है जिसकी मरम्मत होनी हो, 20 दिन के लिए उसे बंद कर रहे हैं। अब वो आबादी जो अल्टरनेट रास्ता है उसमें तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि कोई टेम्परेरी ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि लोग उसकी पटरियों के ऊपर से फुट ओवर ब्रिज बन जाए, या और कोई चीज़ ऐसी हो जाए, क्योंकि लोग तो गुजरेंगे पटरियों से, और जब गुजरेंगे तो हादसे भी होंगे, लोगों की मौतें भी होंगी। डीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है, और हमें उम्मीद है इन समस्याओं का एमिकेबली निदान होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।